जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ्स पर। आज हम ये जानेंगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा ज्ञात हो और साथ में द्विघात बहुपद के मान ज्ञात हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है, आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। और यह भी होता है द्विघात बहुपद बराबर कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद, यह भी इसी का दूसरा रूप है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम कब करते थे? जब हमें केवल अल्फा और बीटा मालूम होता था या फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल मालूम होता था तो उसकी सहायता से ए बी सी ज्ञात करते थे और ये वाला व्यापक रूप लगा करके बहुपद ज्ञात कर लेते थे। लेकिन जब हमें अल्फा भी ज्ञात हो, बीटा भी ज्ञात हो और एक मान भी ज्ञात हो तब जाकर के ये वाला फॉर्मूला से हमारा बहुपद नहीं निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना होगा। और इस फॉर्मूला के बारे में हम विस्तार से किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे क्योंकि यह भी द्विघात बहुपद का ही रूप है। यहाँ पे हम सवाल हल करते हैं, देखिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर एक में दिया गया है पी टू जीरो, यानी कि किसी बहुपद में दो रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है। तो जब शून्य होता है तो उसका वो शून्य कहलाता है, यानी कि अल्फा कितना हो गया दो। फिर चार बटे तीन रखने पर शून्य हो जा रहा है तो यह दूसरा शून्यक हो गया चार बटे तीन, तो अल्फा दो और बीटा चार बटे तीन। ठीक है, और तीसरी बात क्या कह रहा है कि माइनस टू रखने पे आठ आ जाता है, यानी कि बहुपद का मान ये आठ आ जाता है। तो ये तो शून्यक नहीं कहलाएगा, लेकिन ये और ये शून्यक, तो ये दोनों शून्यक हो गया और ये बहुपद का मान हो गया। कब? जब एक्स के जगह पर माइनस टू रखते हैं तो वो आठ हो जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा कितना है टू और बीटा है फोर बाई थ्री, तो यहाँ थ्री और थ्री टू जा सिक्स प्लस फोर, तो ये टेन बाई थ्री हो जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब हमें अल्फा बीटा ज्ञात करना है, तो अल्फा टू इंटू बीटा फोर बाई थ्री मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एट बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ पे हमको ए बी सी नहीं ज्ञात करना है। अब क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, अब पी एक्स है ना बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान यहाँ पे बैठा देना है। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 10 बटा 3, तो 10 बटा 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 8 बटे 3। ठीक है, इस प्रकार यह आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आपको एक मान लेना है। फिर प्रश्न के अनुसार पी माइनस टू, यानी कि टू एक्स के जगह पर टू रखने पर आठ आ जाता है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसीलिए पी टू, यानी कि एक्स के जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस टू रखेंगे। तो जहां जहां इसमें एक्स दिख रहा है वहां वहां हम माइनस टू रख देंगे। तो ए इंटू एक्स के जगह पर माइनस टू का स्क्वायर माइनस टेन बाई थ्री इंटू माइनस टू और प्लस एट बाई थ्री, और ये रखने पर इसका वैल्यू कितना होता है आठ, इसलिए इसके बराबर हम आठ कर लेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ए इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब दस दूना बीस बटा तीन प्लस आठ बटा तीन बराबर आठ, ये कर लेंगे। उसके बाद इसका एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम, थ्री एलसीएम हो जाएगा। तो चार तीय बारह प्लस बीस और प्लस आठ, ठीक है बराबर आठ। इधर लिखते हैं, देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बारह आठ बीस, बीस बीस चालीस, चालीस बटा तीन, चालीस बटा तीन और इंटू ए, यानी कि यहाँ पे बराबर कितना आठ। और आपको एक बात पता है कि ये अगर बटा में हो तो उस साइड जाता है तो व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि उलट जाता है। तो ए बराबर कितना होगा आठ गुना तीन बटा चालीस, ठीक है, और ये कट जाएगा आठ पंच चालीस,
ठीक है। तो इस प्रकार 3/5 किसका वैल्यू आया, ए का वैल्यू आया। अब बहुपद एक से, ठीक है, ये बहुपद एक से, ये बहुपद ही है, तो बहुपद एक से पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 8/3, यही दिया हुआ है एक में। और यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुपद एक से ये लिखना है और a का जो वैल्यू आया है इसमें रख देना है, क्या करना है, रख देना है। तो a के जगह पर कितना रखना है, 3/5, ठीक है, और इधर का एलसीएम कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 3 और ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ 1/5 तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 10/5 एक्स प्लस 8/5, ठीक है, ये बहुपद हो गया। अब इसको और भी, ये कटने वाला है तो काट देना है, तो 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8/5, इस प्रकार हमारा फाइनली ये बहुपद निकल करके आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर 2 में देखिए क्या है, 2 में p3 0, यानी x के जगह पर 3 रखने पर 0 आ चुका है, यानी कि x शून्य यानी अल्फा बराबर 3 हो गया। फिर कहता है कि x के जगह पर 4/7 रखने पर 0 आया हुआ है, तो बीटा कितना हो जाएगा, 4/7, और 1 रखने पर कितना हो जा रहा है, -6। तो ये और ये द्विघात बहुपद के शून्यक हो गए और ये उस बहुपद का मान हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा याद करना है, शून्यकों का योग, तो 3 प्लस 4/7, एलसीएम 7, 7 × 21 प्लस 4, इस प्रकार 25/7 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, अल्फा बीटा याद करना है, तो अल्फा 3 गुना बीटा 4/7, तो 4 × 12/7 आ गया, ठीक है। अब द्विघात बहुपद px बराबर लिखना है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। और इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान रख देना है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 25/7 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा के जगह पर 12/7 रख देना है और इसको बहुपद एक मान लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि P1 कितना के बराबर होता है, -6 के बराबर हो जाता है, यानी कि जब x के जगह पर 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू, उस बहुपद का वैल्यू -6 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे P1 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 25/7 गुना 1 प्लस 12/7, ब्रैकेट बंद, और एक रखने पर कितना होता है, -6, इसलिए यहाँ पे हम -6 रख दिए हैं। और यहाँ से हमें करना है a का मान निकाल लेना है, तो a इंटू 1 माइनस 25/7 प्लस 12/7, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि इसका एलसीएम कर लेना है, a इंटू है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और माइनस 25 प्लस 12, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर -6। अब a इंटू 12/7 = 19 माइनस 25/7 बराबर -6, और ये घट जाएगा, -25 और प्लस 19 है तो बचेगा कितना, -6/7 इंटू ए बराबर -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 6
इनटू ये उधर जाएगा तो व्युत्क्रम यानी कि उलट जाएगा, 7/6 तो 6 से 6 कैंसिल, तो ए का वैल्यू 7 निकल करके आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए का मान बहुपद एक में रखने पर, एक में रखने पर, यही मान हम ए एक में रख देंगे तो हमारा बहुपद निकल जाएगा। क्या है, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25/7 एक्स और प्लस 12/7, यही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए के जगह पर कितना रखना है, 7, ठीक है, इंटू इसका एलसीएम कर लेना है तो 7 एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 25x और प्लस 12। अब आप देखिए कि ये 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7x² माइनस 25x प्लस 12। इस प्रकार हमें बहुपद ज्ञात हो गया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, क्या है, P7 = 0 यानी कि x के जगह पर 7 रखने पर 0 आ रहा है, यानी कि अल्फा का वैल्यू 7 हो गया, और x के जगह पर -5 रखने पर 0 आ रहा है, यानी कि बीटा हो गया कितना, -5, यानी कि 7 और -5 बहुपद का शून्यक हो गया, और P0 यानी x के जगह पर 0 रखने पर उस बहुपद का मान 70 आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, यानी कि शून्यकों का योग, तो 7 + -5, ठीक है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, तो 7 से 5 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा बीटा ज्ञात कर लेंगे तो अल्फा कितना है, 7, और बीटा -5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, -35 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे द्विघात बहुपद पी एक्स का जो फॉर्मूला होता है कौन सा लगाना है, ये वाला, ठीक है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल करके आया है, 2, और x हो जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू -35 है, इसीलिए यहाँ पे -35 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक मान लेना है। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि P0 बराबर 70, यानी कि P0 70 के बराबर होता है, x के जगह पर 0 रखने पर 70 हो जाता है, इसीलिए P0 बराबर ये 0 इस बहुपद में रख देना है x के जगह पर, तो a इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 -35 बराबर कितना, 70, क्योंकि 0 रखने पर 70 हो जाता है। और यहाँ से क्या करना है, a इंटू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -35 हो जाएगा, यानी कि फाइनली -35 a बराबर 70। ठीक है, देखिए इधर, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 70 - 35 कट जाएगा तो -2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो a का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करना है, a का मान बहुपद एक में रखने पर, ठीक है, एक में क्या है, पी एक्स बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 35, यह है, तो a का वैल्यू कितना आया है, -2, तो -2 यहाँ रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 35, और इस 2 - 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x² - -2 + 4 यानी कि 4x और -+ 35 × 70, इस प्रकार ये बहुपद ज्ञात हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताया गया सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।